राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की प्रधान डॉक्टर संतोष दहिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा विधानसभा राज्यसभा और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि दुनिया भर की सांसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के ताजा अध्ययन से पता चलता है कि विकसित देशों की संसद में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या के मुकाबले में भारत कहीं नहीं ठहरता। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हमसे कहीं आगे हैं। सर्वे के अनुसार भारत 103 स्थान पर है। फिलहाल भारतीय संसद के दोनों सदनों में केवल 12% महिलाएं हैं। डॉक्टर दहिया ने कहा कि एक मसौदा तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे ताकि महिलाओं को अधिकार मिल सके। इस अवसर पर परमेश्वरी देवी, कांता रानी, परमजीत कौर, गुरविंदर कौर, अंगूरी देवी, नीरू देवी, मनीषा देवी, ममता रानी, महेंद्र देवी, सुरेश देवी, नीलम रानी, बबीता रानी, अंगूरी देवी, नीतू रानी, शकुंतला देवी, रीता देवी, मोनिका देवी, सुमन रानी, मनीषा देवी आदि महिलाएं मौजूद रही। देखिए, सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के बैनर तले आज महिलाएं इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि महिलाएं ये चाहती हैं कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में महिलाओं को भी 50% की भागीदारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस 50% की हम बात करते हैं कि महिलाएं कम से कम 50% हों, बेटियां 50% हों, उनके अधिकारों की बात भी हमें साथ साथ करनी चाहिए। पंचायती राज में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला, लेकिन महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित ही नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बता दिया कि अगर उनको 33% हिस्सेदारी मिलती है तो वो 50% लेने की का भी दम रखती हैं। इसलिए उन महिलाओं को जो कि पिछले लंबे समय से लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं किया जा रहा है महिलाओं के आरक्षण का, और वहाँ भी जो बनाकर रखा हुआ है एजेंडा वो 33% का है, मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि जब 50% चाहिए महिलाएं तो फिर आरक्षण 33% क्यों? दूसरा, जो 33% वाला है वो भी लंबे समय से पेंडिंग है। महिलाओं की बात आती है, उनको पूजने की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में पहल करें, क्योंकि महिलाएं, अगर मैं किसी रिश्ते की बात करूँ, महिलाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं होता, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी दहलीज नहीं है जहाँ महिलाओं के अस्तित्व के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में उन महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना, मुझे ऐसे लगता है कि ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए तरसती हैं, आज भी महिलाएं सुबकती हैं, आज भी वो बेटियां स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तरस रही हैं। आज भी एक भाई जब अपनी बहन को कहीं स्कूल कॉलेज छोड़ने जाता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं मेरी बहन सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा माहौल क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि उस माहौल को दूर करने के लिए खुद महिलाओं को आगे आना होगा, उसमें सरकार को पहल करनी होगी कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उनको उनके अधिकारों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को जब अधिकार मिलेगा तो एक बेटी का पढ़ना या एक महिला को अधिकार देने का मतलब है दो परिवारों को अधिकार देना, क्योंकि बेटी महिला अगर पढ़ी लिखी है, अगर उसमें हिम्मत है, तो वो अपने परिवार का लालन पालन भी बहुत अच्छे से कर सकती है। और जब एक मौका मिलता है एक बेटी को तो वो 26 जनवरी को परेड की को लीड करके दिखाती है, जब एक बेटी को मौका मिलता है तो वो हवाई जहाज उड़ाकर दिखा देती है, एक बेटी को जब मौका मिलता है तो वो एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर देती है, जब एक बेटी को मौका मिलता है तो वो देश के लिए मेडल लेकर ये साबित कर देती है कि वो किसी भी तरह बेटों से कम नहीं है। तो ऐसे में मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि बेटियों को, महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि ये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। सभी जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबको मेमोरेंडम देंगे और हम इसकी पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री से करना चाहेंगे, ओपोजिशन से करना चाहेंगे, क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं
उन सब से हम ये आग्रह करेंगे कि वो महिलाओं को अधिकार दें। और आज देखिए, पाकिस्तान को हम कट्टरपंथी देश कहते हैं, बावजूद इसके वहां की लोकसभा में 20% से ज्यादा महिलाएं हैं। और हिंदुस्तान, जहां हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, जहां हम लोकतांत्रिक उस देश की हमेशा हमेशा एक राग अलापते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, उस लोकतांत्रिक देश में केवल 10% महिलाएं हैं लोकसभा में, केवल 10%। महिलाओं को आगे बढ़ने में सबको सहयोग करना होगा और सरकार की जिम्मेदारी यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार अगर वहां एक पहल करती है तो बेटियां आगे बढ़ जाएंगी। जब पंचायती राज में इनको अधिकार मिला तो आप ये देखिए 33% के अगेंस्ट ये 45% जीत कराई है, तो इनको अगर अधिकार दिया जाता है तो डेफिनेटली। मैडम, जैसे चुनाव में समय थोड़ा रह गया, लोकसभा चुनाव में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, टाइम थोड़ा गया, ऐसे में संभव तो नहीं है इस बार? नहीं, पिछले लंबे समय से लगा हुआ है ये अभियान, छेड़ा हुआ है, लेकिन किसी के वो कहते हैं कि कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अब क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो इस वक्त मुझे लगता है कि सरकार को प्रेशर में डाला जा सकता है, क्योंकि अगर उनको वोट चाहिए महिलाओं के तो फिर महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं? मैडम, आपको इनेलो पार्टी कुरुक्षेत्र से लोकसभा टिकट के लिए घोषित करती है, तो उसके बाद में आप क्या लोकसभा का इलेक्शन लड़ोगे? देखिए, डेफिनेटली अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये पहल करना चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिले, वही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, महिलाओं को भी अधिकार मिले। जब महिलाओं की हम केवल बात करते हैं, हम रैलियों में महिला बुलाने की बात करते हैं, हम दूसरे आंदोलनों में महिलाओं को बुलाने की बात करते हैं, उनको केवल पूजन तक सीमित रख के, केवल महिलाओं को पूजने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है और हम 99 नंबर पर आज भी पायदान पर क्राइम में खड़े हैं। आज हर 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, छेड़छाड़ होती है। मुझे ऐसे लगता है ऐसी घटनाएं जो महिलाओं के साथ लगातार हो रही है, जैसे निर्भया कांड होता है, यहाँ स्वीटी कांड होता है, नेहा कांड होता है, वो 5-5 साल की, 2-2 साल की बच्चियों के साथ जो क्रूरतम अत्याचार किया जाता है, मैं ये मानती हूँ अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो वो अपने अधिकारों को भी समझेंगी, अपने फर्ज और कर्ज को भी निभाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वो दबी हुई हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता बाहर निकलने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ते हुए आपने महिलाओं की आवाज उठाई है और इतने आंदोलन किए हैं, वो कितने तक सफल हुए, कितने आगे हो रहे? देखिए, महिलाओं के आंदोलन बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि महिलाएं लगातार, हमारी कोशिश है कि महिलाएं लगातार उन दीवारों से बाहर निकलें। देखो, घर की जिम्मेदारी हर महिला बखूबी निभाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं में उससे कहीं ज्यादा कैलिबर है, उससे कहीं ज्यादा वो काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं में सहन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। महिलाएं त्याग की मूर्ति मानी जाती हैं, महिलाएं इतनी आत्मबल से भरपूर होती हैं, उनमें आत्मबल बहुत ज्यादा होता है, केवल और केवल उनको एक मौका देने की जरूरत है। जब एक साक्षी को मौका मिला तो उन्होंने रेसलिंग की ड्रेस पहन के दिखा दिया देशवासियों को कि हाँ, बेटियां कम नहीं है, हम भी मेडल ला सकती हैं। और जब देश तरस रहा था, 3 बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आई, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में उन बेटियों को अब रोकना, मुझे लगता है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हालांकि मैं ये मानती हूँ बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हर डगर मुश्किल है, क्योंकि उनका सफर लंबा भी है और उनका सफर मुश्किल भी है, क्योंकि वो जीरो से शुरू करती हैं। वो संघर्ष पहले घर में करती हैं, उसके बाद घर में लोगों को कन्विंस कराती हैं कि मेरे अंदर ये कैलिबर है, मैं बाहर काम कर सकती हूँ। घरवालों को कन्विंस करा के, गांव को, मोहल्ले को, उनको कन्विंस करा के, समाज में एक विचारधारा के महिला कमजोर होती है। जैसा कि मुझे एक डीसी मैडम थे, उन्होंने बताया कि जब वो डीसी लगी, डीसी होते हुए किसी ने ये कहा कि ये बेचारी महिला तो है, जबकि वो डीसी थी। ये हमारा माइंडसेट है, क्योंकि हम महिला को हमेशा कमजोर मानते हैं, हालांकि महिला बहुत मजबूत होती है, जो अपने गुस्से को पी जाती है, जो पूरे घर की हर समस्या को सॉल्व करने में, मैं कहती हूँ करती है, करने में क्या वो करती है। ऐसे में महिला से मजबूत मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा हो सकता है। क्या महिला मजबूत होगी तो देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा।
बढ़ेगा, इसलिए सरकारों को इसकी पहल करनी चाहिए और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उनका सम्मान करने का काम करें।